चॉकलेट इसके लिए हमें चाहिए 3 टेबलस्पून कोका पाउडर, 5 टेबलस्पून शुगर, 1 टेबलस्पून मैदा, 150 ml मिल्क, 1 टेबलस्पून सॉल्टेड बटर, 1/2 टीस्पून वेनिला एसेंस। ये सारे इंग्रेडिएंट्स हम एक ही स्पून से मेजर करेंगे। अब हम एक बाउल में शुगर डालेंगे, मैदा, कोका पाउडर और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है, इसमें लम्स ना हो। सारे इंग्रेडिएंट्स को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम चॉकलेट सिरप बनाएंगे। अब हम पैन में दूध डाल लेंगे और फ्लेम को ऑन कर देंगे। उसमें वेनिला एसेंस डालेंगे। अब इसको हम बॉईल होने देंगे। दूध बॉईल होना शुरू हो गया है। अब हम फ्लेम को लो कर देंगे और इसमें कोको पाउडर डालेंगे। इसमें धीरे धीरे डालना है और इसको मिक्स करते रहना है। इसको हमें अच्छे से मिक्स करना है कि शुगर भी मेल्ट हो जाए और लम्स भी ना पड़े। अब इसमें हम बटर डालेंगे। अगर आपको बटर नहीं यूज करना है तो आप इसकी जगह सॉल्ट भी यूज कर सकते हैं। उसमें हमने पिंच ऑफ सॉल्ट यूज करना है। अब इसको मिक्स कर लेंगे और बटर को भी मेल्ट कर लेंगे। ये बॉईल हो रहा है, बटर भी मेल्ट हो गया। इसको हमें 2 मिनट्स तक कंटिन्यूसली चलाना है। इसको हमें ज्यादा कुक नहीं करना है, नहीं तो चॉकलेट है जो बहुत थिक हो जाएगी, क्योंकि चॉकलेट ठंडी होने के बाद भी थिक हो जाती है। 2 मिनट्स हो गए हैं, आप देख सकते हो इसमें कोई भी लम्स नहीं है। चॉकलेट सिर्फ रेडी हो गया है। आप इसको शेक्स में यूज कर सकते हो, आइसक्रीम के ऊपर भी डाल सकते हो। चॉकलेट सिर्फ रेडी हो गया है। ये थी हमारी आज की रेसिपी चॉकलेट सिरप। मेरी और वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें। प्लीज लाइक एंड शेयर। बाय।